नमस्कार दोस्तों, आज है 20 अप्रैल और टेम्परेचर वही 41 डिग्री चल रहा है। दोपहर का टाइम है, बहुत तेज़ लू भी हमारा चली, एकदम लू मतलब गरम गरम हवा। तो आज का जो वीडियो है वो ना मैं अपनी एक मेरी बहुत बहुत पुरानी एक व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, मैं आज स्पेशली उनके लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। और उनका ये कमेंट है कि जो इसके फूल है ना गुड़हल के, वो बड़े छोटे छोटे साइज़ में आ रहे हैं। देखिए जैसे ये है, ये देखिए, तो ये क्यों आ रहे हैं अब आपको मैं दिखाऊं। ये वाली जैसे जो बड़ आप देख रहे हो ना, ये बड़ डबल हो जाती है, डबल होती है, लेकिन इस समय ये ऐसी छोटी छोटी सी हो रही है। तो ये जिस दिन, जैसे आप, मैंने जब परसों उस दिन वीडियो बनाया था तो उसी दिन आपका कमेंट आया था ना, आपने कमेंट किया था, आपने मेरे बेटे के लिए आर्मी में सिलेक्शन के लिए उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया था। अभी बहुत सारे लोगों ने किया, मैं आप सबको वो नहीं कर पाई हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। तो हुआ ये कि फिर मैंने सोचा कि मैं लिख कर जवाब दूँ, इससे तो ऐसे मैं बता दूँ तो इससे बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि उनकी भी हो सके, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी। तो मैंने ना उसी दिन देखा, मैं मतलब दूसरे दिन गई जब वॉक करने। अच्छा हाँ, अब ना बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसे बोल रही हूँ, इतना लंबा लंबी बातें कर रही हूँ। तो ये वीडियो मैं अपने जो रेगुलर व्यूवर्स हैं ना, मैं उन्हीं के लिए बना ही रही हूँ, और जो नए व्यूवर्स इस टाइम देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा अजीब। तो मैं प्रोफेशनली वीडियो नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। और जब भी मुझे देखे, इस टाइम धूप का है, एकदम धूप देख रहे कितनी कस के धूप हो रही है, और मैं अपना बस जो जिनसे मुझे बड़ा लगाव सा हो जाता है, जिन व्यूवर्स से, मैं उनके लिए फिर ये सब नहीं देखती। मुझे जब भी टाइम मिलता है, मौका मिलता है, मैं बना देती हूँ। तो अब आपको मैं बताती हूँ, मैंने जब देखा ना तो मैंने फिर मैं दूसरे दिन जब मॉर्निंग वॉक पे गई ना, तो मैंने और लोगों के गुड़हल को जो कि ज़मीन में लगे हुए थे, मैंने उन पे गौर किया। तो पता है क्या मुझे समझ में आया, मैं आपको बताती हूँ अब। जितने गुड़हल मेरे पास, आप लोगों ने ऑरेंज येलो सारे देखे, हाइब्रिड देखे हैं, जो भी देखे हैं, मैंने सब पे वीडियो बनाया है। आपने देखा होगा विंटर में भी खूब खिले हैं, खूब अच्छे बड़े बड़े साइज़ में खिले हैं, मतलब कि सर्दियों में भी जो हाइब्रिड वेराइटी के थे वो खूब खिले, और जो देसी वैरायटी के थे वो एकदम थोड़ा सा हल्के थे। उनमें फरवरी में जब खाद वाद दिया तो बहुत अच्छे से उसमें बाद में ब्लूमिंग हुई, क्योंकि जो हिबिस्कस होता है ना उसको थोड़ा सा 28 टेम्परेचर के बाद से लेके 35-36 टेम्परेचर जब तक चलता रहता है ना, तब तक ये इसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, बहुत अच्छे से ग्रोथ अभी भी हो रही होगी, पत्तियाँ वत्तियाँ सब निकलेंगी, पर फूल भी निकलेगा, फूल खूब निकलेगा, लेकिन जो साइज है ना वो तब अच्छे से बढ़ता है जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, और इसके साथ ही साथ टेम्परेचर भी वही आपको मैंने बताया कि 28, 30, 35 ऐसे करके जब टेम्परेचर चलता रहता है तब बहुत अच्छे से इनका, इनकी बिल्कुल पत्तियां भी बहुत अच्छे से हरी भरी रहती हैं। और जैसे इस समय टेम्परेचर 42 डिग्री है, और इसके बाद अभी जो है लू भी चल रही है, गर्म हवा है, खुश्क है, मतलब इस समय जो है आप ज़रा सा पानी कहीं भी डालिए एकदम से सूख जाएगा, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से इस समय का जो फूल मत का साइज़ रहता है वो छोटा सा रहता है। और हाँ, ये है जिन जगहों पे ह्यूमिडिटी रहती है ना, एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा नमी रहती है, या फिर आपने कुछ ग्रीन नेट लगा रखा है और या सब प्लांट्स को आसपास रख रखा है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया। मेरे ये सारे प्लांट जो, ये देखिए अनार का, ये अनार का फूल है, ये देखिए इधर सब, तो ये सब एकदम बिना ग्रीन नेट के। मैंने अभी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी तो अभी कुछ नहीं लगा पाई हूँ यहाँ पे ग्रीन नेट, और मुझे लगाने के लिए ना फिर बाकी बहुत सारा इंतज़ाम देखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ एक ही साइड में वो वॉल मतलब ये ग्रिल बांधने का इंतज़ाम है, बाकी सब तरफ ऐसे ही जुगाड़ू टाइप का काम करना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे कुछ फ्रेम वेम लगाने के उसमें अभी हूँ नहीं, इतना मेरा अभी कोई ऐसी मर्जी नहीं है, मनी नहीं है। तो आप एक अगर वैसा एटमॉस्फेयर तैयार कर सके, प्लांट्स को हर वक्त जैसे पानी दे रहे हैं तो पानी उनके ऊपर छिड़के, पत्तियों के ऊपर पानी को छिड़के गर्मी में,
तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, और खाद में ये है कि बनाना पील, अब इस टाइम तो देखिए गर्मी आ गई है, बनाना पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र, ये सब आप अपना हर 10 दिन में अपना देते रहें तो साइज़ भी बढ़ जाएगा और अच्छे से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, ये अपना करीब 10 दिन में एक बार कोई फर्टिलाइज़र, क्योंकि जो गुड़ैल होता है ना ये हैवी फीडर होता है, और एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं तो उससे भी जो है पत्तियों का साइज़ बड़ा होगा। और अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो जैसे बरसात का मौसम आएगा अपने आप ही बिना कुछ करे ही सब सारे प्लांट एकदम अच्छे से हेल्दी हो जाएंगे। और बस अगर आपको इसे इतना कर सकते हो, थोड़ा सा इनके ऊपर मैं थोड़ा पानी का बचाव करती हूँ, मैं प्लांट को देती ज़रूर हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं करती कि खूब इतना नहलाए दे रही हूँ नहलाए दे रही हूँ सुबह शाम, क्योंकि पानी की हमें, हम जो गार्डनर्स हैं ना, पानी की बहुत हमें बचत करनी होती है, देख हर तरीके से ध्यान देना होता है बहुत। आप देखिए हर जगह देखिए कितने मुश्किल से लोग कितनी कितनी लाइन में लग के कहाँ कहाँ जाके पानी का इंतज़ाम करते हैं, और अगर हमें भगवान ने कुछ दिया हुआ है तो कम से कम हम उसको बर्बाद तो ना करें ना। तो मिट्टी को ना बस बहुत ज़्यादा सूखने मत दीजिए, क्योंकि गर्मी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। गुड़हल में फर्टिलाइज़र देते रहिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र कोशिश करिए देते रहने की, तो आपके प्लांट में भी ना उसमें अच्छे अच्छे से बड़े बड़े से फूल आएंगे। चलिए दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को रिप्लाई भी कर दूं, और मतलब इस रिप्लाई से कई लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं इस टाइम पर, सिर्फ यही बहुत तेज़ गर्मी है इसीलिए आ रहे हैं। और आप लोगों को ठीक लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, अभी मैंने जब परसों वीडियो बनाया था मैंने आपको ये वाला अंदर दिखाया था, प्लांटर रखा हुआ रूम में, अब मैंने इसको ना यहाँ पे ब्राइट लाइट में रख दिया है। ब्राइट लाइट में प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, कि ग्रोथ अच्छे से होती है। चलिए बाय, थैंक यू।